फ्रेंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में, साथ ही बात करेंगे 7th एनिवर्सरी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, आप लोगों को पता है फ्री फायर की 7th एनिवर्सरी इस बार आने वाली, इसके ऊपर बहुत सारी लीक्स अपडेट निकल कर आई है, सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। एंड इस वीडियो में मैंने आप लोग के कुछ कमेंट भी रीड कर रखी, उनके रिप्लाई भी करेंगे, तो काफी मस्त आज की टू नाइट वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलो सबसे पहले आप लोग को टू नाइट अपडेट के बारे में बता दें, कल वाले दिन कौन सा इवेंट आने वाला है। देखो गाइस कल है 30 नवंबर, तो कल का कोई भी इवेंट कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कि कंफर्म होता वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कल का कोई इवेंट कंफर्म नहीं हुआ, तो कल कोई भी इवेंट नहीं आने वाला है, ठीक है। कल का कोई भी वेट मत करना। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ 7th एनिवर्सरी के बारे में, उसके ऊपर बहुत सारी लीक्स अपडेट निकल कर आ चुकी है। आप लोग को पता होगा इससे पहले हम लोग की फ्री फायर की 6th एनिवर्सरी आई थी, जो कि काफी बड़ी एनिवर्सरी मनाई गई थी और काफी कमाल कमाल के इवेंट आए थे उसके अंदर, और बहुत सारे रिवॉर्ड फ्री में मिले थे, बंडल मिला था फ्री में, और याद होगा मैजिक क्यूब भी बिल्कुल फ्री में मिला था, एंड वहीं पर बहुत सारे इमोट भी आए थे जो कि डायमंड से मिल रहे थे, और काफी कमाल कमाल के इवेंट भी आए थे, ठीक है। लेकिन हाँ पिछली एनिवर्सरी पे क्या था भाई, पिंक डायमंड स्टोर इवेंट नहीं आया था, जो कि बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई एनिवर्सरी पर पिंक डायमंड स्टोर इवेंट आता है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं आया। तो इस बार आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि यहाँ पर एक साल से ज्यादा हो चुका है, 2 साल हो गई मेरे हिसाब से, पिंक डायमंड स्टोर इवेंट अभी तक अपने गेम के अंदर नहीं आया है दोबारा में। मतलब कि पहले आता था लेकिन अभी तक नहीं आया है। लेकिन इस बार की काफी बड़ी लीक्स निकल कर आ रही है कि इस बार की फ्री फायर की जो 7th एनिवर्सरी आने वाली है, जिसके यहाँ पर लोवी वगैरह की जो स्क्रीन शॉट है, मतलब की बैनर वगैरह वो निकल कर आ चुके हैं, और भी इसी तरीके से लीक्स अपडेट निकल कर आ गई है कि इस बार जो पिंक डायमंड स्टोर इवेंट है वो आप लोग को 7th एनिवर्सरी पर जरूर से देखने को मिलेगा। और पिंक डायमंड स्टोर इवेंट का क्या रहता सीन आपको पता ही होगा कि मिशन कंप्लीट कर करके आप लोग को पिंक डायमंड मिलता है, और पिंक डायमंड से क्या होता है, एक स्टोर होता है जहां पर आप लोग पिंक डायमंड से वहां पर स्टोर में से कोई भी रिवॉर्ड एक्सचेंज कर पाते हो बिल्कुल फ्री में। गन की स्किन, ग्लो वाले इमोट, बंडल वगैरह जो भी कुछ रहेगा स्टोर में, वो रिवॉर्ड आप लोग को पिंक डायमंड से बिल्कुल फ्री में एक्सचेंज करने पर मिल जाएगा। तो काफी कमाल का पिंक डायमंड स्टोर इवेंट रहता है, जो कि इस बार 7th एनिवर्सरी पर आने वाला है, इसके लिए रेडी रहो आप लोग। तो 7th एनिवर्सरी के ऊपर जो कुछ अपडेट लीक सारी निकल कर वो मैंने आप लोग को बताई, इसके अलावा यहाँ पर कुछ कमेंट आ रही निकल कर उनका रिप्लाई करते हैं। जैसे कि पहली कमेंट आ रही निकल कर रोहित गेमिंग की तरफ से, ये कह रहे हैं एफए भाई मेरी कमेंट रीड करो, मैं आपका बिग फैन रोहित। तो रोहित भाई मैंने आपके कमेंट को रीड कर लिया, एंड थैंक्स भाई रोहित भाई। एंड यहाँ पर जो दूसरी कमेंट निकल कर आ रही है वो आ रही है चिकली बेक की गेमिंग की तरफ से, ये कह रहे हैं ब्रो आपको बहुत लोग गाली दे रहे हैं, जो जो एफ ए भाई को गाली दे रहा है उनकी माँ की, आगे छोड़ो आगे नहीं पड़ता, एंड एफ ए भाई रिप्ले मी कमेंट। तो भाई देखो यहाँ पर मैं इस कमेंट का रिप्ले ये करना चाहूंगा कि मैं जब भी अपनी गेमिंग की वीडियो अपलोड करता हूँ तो मुझे बहुत सारे प्यार करने वाले लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जिनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मेरी वीडियो को पसंद नहीं करते हैं और वो उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो भाई मैं उनके कमेंट रीड ही नहीं करता। बट यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊं, देखो भाई वीडियो बनाना आसान नहीं होता है। देखो भाई लीक्स अपडेट निकाल कर लेकर आना और उसके बाद उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करना एंड उसको एडिट करना, उसके बाद फिर वीडियो को अपलोड करना बहुत मेहनत का काम है, जो कि हम सारे यूट्यूबर्स आप लोग के लिए करते हैं, और आप लोग को बस घर बैठे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक करने की बजाय उल्टी सीधी कमेंट करते हो, जो कि शर्म आनी चाहिए भाई ऐसे लोगों को। बट इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर आपसे बोल दूं ना कि भाई एक इवेंट के ऊपर कोई भी वीडियो बना के दे दो तो भाई सुबह से शाम हो जाएगी, एक इवेंट के ऊपर आपसे वीडियो नहीं बनेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर ढेरों सारे इवेंट की वीडियो डेली लेकर आते रहते हैं हम सारे यूट्यूबर्स आपके लिए, लेकिन आप लोग क्या ही बोले, थोड़ा समझो एंड अच्छी कमेंट क्या करो। चलो यहाँ पर तीसरी कमेंट निकल कर आ रही है शादिक मलिक की तरफ से, ये कह रहे हैं क्या इंस्टाग्राम पर वीडियो आप ही बनाते हो। तो यस ब्रो मैं ही बनाता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो, और आज भी मैंने एक वीडियो अपलोड की, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अबे यार मैं स्मार्ट लग रहा हूँ यार, तुमसे ज्यादा मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। अबे मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, देख कभी कोट वोट पहना हूँ यार, स्मार्ट लग रहा हूँ यार, यार मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। अबे यार एक मिनट रुक जा भाई साहब, यहाँ आना जरा, जरा हम दोनों को देखकर बताओ हम दोनों में से स्मार्ट कौन है। पर भाई मैं कैसे बताऊंगा, मैं खुद अंधा हूँ। तो देखा गाइस यहाँ पर ये मैंने वीडियो अपलोड की, मैं इंस्टाग्राम पर बनाता हूँ काफी फनी फनी वीडियो बनाता हूँ, और इस टाइम तो मोए मोए का ट्रेंड चल रहा है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी फनी फनी वीडियो बना रखी है, जाकर देखो इंस्टाग्राम पर, ये मेरे इंस्टाग्राम का पेज है जहाँ पर बहुत जल्दी हम लोग के 2 लाख फॉलोवर्स कंप्लीट होने वाले हैं। जाओ फटाफट यहाँ पर भी सपोर्ट दिखाओ, फॉलो कर लो आके फनी फनी वीडियो देखने के लिए। बाकी आज की इस वीडियो को यार सारे बंदे लाइक कर देना, चैनल न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।